प्रिय दोस्तों, नवजीवन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में शास्त्री जॉनसन सी फिलिप पवित्र बाइबल से मर्मस्पर्शी संदेश प्रस्तुत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत आशीष देंगे। हम लोग नियमित रूप से उनके इन हृदय स्पर्शी वीडियो को यहाँ पोस्ट करते हैं। इन नए वीडियो के बारे में अपने आप जानकारी पाने के लिए वीडियो के नीचे पहले सब्सक्राइब बटन को और उसके बाद घंटी की बटन को दबाएं। बस हो गया काम, अब नए वीडियो की सूचना घर बैठे अपने आप आपको मिल जाएगी। अपन लोग पिछले बहुत सारे महीनों से प्रभु यीशु के जीवन का अध्ययन कर रहे थे। प्रभु यीशु या ईसा मसीह आज से 2000 साल पहले संसार में पधारे थे। आज यदि मैं बहुत धीमे धीमे बोल रहा हूँ तो बुरा न माने, मैं डर डर के बोल रहा हूँ कि हे प्रभु, फिर से यदि आवाज़ बंद हो जाए तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। ठीक है, इसलिए मैं आज बहुत स्लोली बोल रहा हूँ। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने बहुत सारी शिक्षाएं दी थी। 3.5 साल बिना थके बिना रुके जगह जगह जाकर और जहाँ जहाँ प्रभु थे वहाँ वहाँ प्रभु ने अपनी शिक्षाएं लोगों को दी, जिनमें से एक शिक्षा आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो हमको प्रभु की जो 4 जीवनियाँ हैं उसमें से पहली जीवनी में मिलता है। मत्ती नामक पुस्तक के 7वें अध्याय के 13 और 14 पद में हम देखते हैं। मत्ती का शुभ संदेश 7वां अध्याय 13 और 14 पद में हम देखते हैं, तंग फाटक से प्रवेश करो क्योंकि जो चौड़ा है वो फाटक सरल है लेकिन वो विनाश को पहुंचाता है, बहुत से हैं जो उसमें से प्रवेश करते हैं। इसका क्या मतलब है? अपन लोग जब किसी दरवाजे से निकलते हैं तो हम जानते हैं, मान लीजिए हमारे सामने यदि कई सारे फाटक हैं, मान के चलिए कि आप किसी शादी में गए या किसी पार्टी में गए जहाँ ऑडिटोरियम में 500,000 लोग हैं और जब शादी या जो फंक्शन है ख़त्म हो गया, बाहर जाना है, मान लीजिए कि एक फाटक ऐसा है जो कम से कम 15-20 फुट चौड़ा है और एक फाटक ऐसा है जिसमें से एक आदमी मुश्किल से निकल पाता है, तो आप किस फाटक से होकर गुजरना पसंद करेंगे, किस फाटक से होकर बाहर जाएंगे? अरे चौड़े फाटक से जाएंगे। या दूसरा उदाहरण यदि मैं दूं, मान लीजिए किसी ऑडिटोरियम में बैठे हैं, प्रोग्राम चल रहा है, अचानक जोर से कोई आवाज आती है, आग 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 लग गई आग लग गई, तो सब लोग ऑडिटोरियम से भागकर बाहर जाने की कोशिश करेंगे। किस फाटक से होकर वो लोग बाहर जाने की कोशिश करेंगे जो चौड़े से चौड़ा है, क्योंकि हर कोई बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, और यदि आप तंग फाटक से जाने की कोशिश करेंगे तो सबके सब वहाँ फंस जाएंगे। मनुष्य का स्वभाव है कि जब वो कहीं जाता है तो चौड़े से चौड़े फाटक से होकर जाने की कोशिश करता है। प्रभु यीशु एक बात यहाँ बताते हैं, आत्मिक जीवन में मेरे प्रिय बच्चों उस रास्ते होकर जाने की कोशिश मत करो जिस रास्ते से सारी दुनिया जाती है। इसका कारण प्रभु ने यहाँ बताया है, देखो उस रास्ते से जो बहुत चौड़ा रास्ता है उसमें जाने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो तंग रास्ता है उसमें जाने वाले लोग कम हैं। लेकिन प्रभु ने बताया कि इसके साथ एक बात और समझ लेना, जिस रास्ते हर कोई जा सकता है, जो इतना चौड़ा है कि किसी को ना लेफ्ट देखने की ज़रूरत है ना राइट देखने की ज़रूरत है, जहाँ हर कोई जा सकता है, वो रास्ता हमेशा विनाश को ले जाता है, हमेशा हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसका एक उदाहरण यदि लिया जाए, एक स्कूल में बच्चे जाते हैं, जो बच्चा
सबसे अधिक नंबर लाता है वो क्या करता है, वो स्कूल में मास्टर जो भी पढ़ाते हैं सब बातों पर ध्यान देता है, उसमें जो बातें महत्वपूर्ण है उसको नोट करता चला जाता है, घर जाके आज क्लास में जो कुछ पढ़ाया गया था वो सारी बातें फेयर कॉपी में नोट करता है और कम से कम एक बार देख लेता है कि आज जो कुछ पढ़ाया गया था वो क्या था, उसके साथ साथ कल जो पढ़ाया गया था उसको भी थोड़ा सा वो रिवाइज कर लेता है जिससे कि उसकी याद में रहे कि पिछले दिनों अध्यापक ने क्या पढ़ाया था। अच्छा, जो क्लास में सबसे पीछे बैठता है, जिसे कभी पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं है, वो क्या करता है, ऐश करता है जब सर या मैडम आगे पढ़ा रहे हों, वो बैठ के मनी मन ख्याली ख्याली ख्याल में वो सपना देखता है, मैं तो बादशाह बनूंगा, अरे ये सब पढ़ लिख के बेकार बनेंगे, मैं कोई पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं तो बादशाह बनूंगा। जब परीक्षा आती है तब रिजल्ट क्या होता है, जो घर जाता है मेहनत करता है, नियमित रूप से होमवर्क करता है, क्लास वर्क करता है, वो अच्छे नंबरों से पास होता है, और जो बैठ के आराम से कल्पना करता है कि अरे मैं यदि बादशाह हो गया होता तो बड़े बड़ी सी गाड़ी में सफ़र करता, हवाई जहाज़ से नीचे तो पैर ही नहीं रखता, ठीक है, जब रिजल्ट आता है तो फेल हो जाता है। अच्छा, ज़रा ये बताइए कि क्लास के पीछे बैठ के बड़ी लंबी चौड़ी कल्पना करने में कोई मेहनत लगती है क्या? कोई मेहनत नहीं लगती, अपने दिमाग को बस चलने दो, काहे को सपना देख रहे हो कि एक हवाई जहाज़, अब तुम ने वो तो पीछे बैठ के सपना देख सकता है कि हजार हवाई जहाज़ खरीदेंगे हम, तो हमारे तो नौकर भी जो है हवाई जहाज में यात्रा करेंगे, ऐसी कल्पना के लिए उसे कोई मेहनत नहीं लगती है। लेकिन जो विद्यार्थी फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास होता है वो इस तरह के जो दिमागी ख्याल है उन सबको अलग रख के मास्टर मैडम जो पढ़ाती हैं उस पर ध्यान देता है, उसको नोट करता है, घर जाके काम करता है। तो भाइयों और बहनों, हम में से और मेरे प्रिय बच्चों, हम में से हर व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से जानता है, यदि जीवन में सफलता चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन में यदि सफलता नहीं चाहिए तो खूब पड़ा है, जीवन ही जीवन पड़ा हुआ है, कल्पना करते रहो, जितनी कल्पना चाहो कर लो, ठीक है। लेकिन परिणाम क्या है, जब खुद के पैर पे खड़े होने की बारी आती है तब जो जिंदगी भर सिर्फ कल्पना लोक में रहा है उसको कोई नौकरी नहीं देगा, लेकिन जिसने मेहनत की है उसको नौकरी मिलती है। आत्मिक जीवन में जो व्यक्ति मनमानी करता है, मतलब सत्संग जाने का टाइम हो गया, अरे क्या सत्संग, वहाँ तो प्रभु के बारे में ईश्वर के बारे में चर्चा होती है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है प्रभु की, क्या जरूरत है ईश्वर की, मैं तो मन माना जीवन बिताऊंगा। जो इस तरह से सोचता है उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैंने सही चॉइस किया है, जीवन में सही चॉइस किया है। लेकिन कबीर दास जी कह गए हैं, दुख में सुमिरन सब करे, मतलब दुख में प्रभु को स्मरण सब करें, सुख में करे न कोई। मनुष्य का स्वभाव है कि जब दुख आता है तो जिस प्रभु को हम पूरी तरह से नज़रअंदाज करके अपने रास्ते पर जा रहे थे, अचानक प्रभु याद आ जाते हैं। कबीर दास जी ने ही कहा है, दुख में सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे को, यदि जीवन में जब सब सुख चल रहा है तब भी प्रभु को स्मरण करो तो जीवन में दुख क्यों हो।
मतलब इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बात को पहचाना है कि जीवन भर ऐश मस्ती करते रहो, ऐसा लगता है कि वाह 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 ये है जिंदगी, लेकिन कल को जब नौकरी के लिए इंटरव्यू में गए तो मान लीजिए किसी दुकान में सेल्समैन की नौकरी है और बाकायदा तनख्वाह बहुत सॉलिड है, गए हम, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम लोटपोट है। अच्छा, तुम काहे के लिए यहाँ आए? नौकरी चाहिए। अच्छा, तुम तो लोकल आदमी नहीं मालूम पड़ते, यहाँ क्यों आए? वो गांव में नौकरी की बड़ी कमी है इसलिए मैं यहाँ आया। अच्छा ठीक है, हट्टे कट्टे मालूम पड़ते हो, सेल्समैन का काम करोगे, ठीक है। ये बताओ कि 15 और 15 कितने होते हैं? उसने जिंदगी में 20 के ऊपर तो नंबर ही नहीं सीखा, पहाड़ा नहीं सीखा। अब लोटपोट क्या जवाब देगा कि 15 और 15 कितना होता है? तो वो सोच के बोलता है कि साहब 15 और 15 जो है 16 होता है। तो मालिक कहता है कि तुम हट्टे कट्टे हो, मुझे नौकरी के लिए रखना है, मैं तुमको एक चांस दूंगा, 16 और 16 कितना होता है? तो लोटपोट ने सोचा, पहली बार एक संख्या बढ़ा के बताई थी तो मालिक बोला कि वो गलत है, इस बार 2 बढ़ा के बताते हैं, तो सर 16 और 16 18 होते हैं। लोटपोट को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन उसका साथ ही जो जब माँ बाप ने कहा बेटा 10 तक पहाड़ा सीखो, तो उसने 40 तक का पहाड़ा सीखा। उससे जब पूछते हैं क्यों तुम्हारा नाम क्या है, तो हमारा नाम मुन्ना है। अच्छा मुन्ना ये तो बताओ कि 16 और 16 कितना होता है? तो मुन्ना बताता है सर 16 और 16 32 होता है। यदि आपने ये पूछा होता कि 16 गुणा 16 कितना है तो भी मैं जवाब देता। अच्छा, तो मालिक पूछता है अपने आप को बहुत 30 मार्क ना समझते हो, ये बताओ 160 और 160 का गुना कितना होगा? तो तुरंत वो जवाब देता है। तो मालिक कहता है नाम से तो तुम मुन्ना हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान तो बहुत गजब है, तुम आए सेल्समैन बनने के लिए, मैं तुमको अकाउंटेंट बनाता हूँ। दोनों में क्या फर्क है? फर्क यह है कि एक चौड़े रास्ते पर चला, जीवन में खूब आराम किया, दूसरा तंग रास्ते पर खूब मेहनत की। ठीक है, आत्मिक जीवन में मुझे और आपको अपना जीवन यदि बर्बाद करना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस चौड़े रास्ते पर हम हैं, उधर जाना उधर जाओ, इधर जाना इधर जाओ, इधर जाना इधर जाओ, हर जगह सड़क इतनी चौड़ी है कि किसी भी तरफ जाओ सड़क खत्म ही ना हो। लेकिन प्रभु ने एक बात याद दिलाई, ये सड़क विनाश की तरफ ले जाती है। प्रभु के वचन में लिखा है, पवित्र बाइबल में लिखा है, सब ने पाप किया है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है वो पापी है। आप पूछेंगे शास्त्री सर कैसी गजब की बात कर रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे धर्मी लोग हैं। देखिए दूसरों की बात छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। आप धर्मी हैं क्या? आप में से शायद कोई कहे हाँ शास्त्री सर मैंने कोई ज्यादा गलतियां नहीं की है। तो मेरा प्रश्न ये नहीं है कि कम गलती की है या ज्यादा गलती की है, मेरा प्रश्न ये है मेरे प्रिय भाई मेरी प्रिय बहन, तुम्हारे मन में जो कुछ, जो भी चिंताएं, जो कुछ तुम्हारे मन से होकर गुजरते हैं वो सबका सब एक कॉपी पे लिख के दूसरे को दिखाना पसंद करोगे क्या? सर पे एक लट्टू लगवाना पसंद करोगे क्या कि कोई भी गलत चिंता मन में आया तो लट्टू ऑन हो जाए? भाई यहाँ से उठ के कोई भागने की कोशिश ना करे, मेरे पास इस तरह का कोई लट्टू अभी नहीं है, मैं लगाने नहीं जा रहा। ठीक है, अब मुझे लगा कि अजय वहाँ से भागने की तैयारी में, उसके हाव भाव देख के मुझे लगा कि भागने की तैयारी में हो। ऐ कहाँ जाओगे, सच है कहाँ जाओगे, यदि हमें लगाना हो तो हम कहीं भी आके लगा देंगे। ठीक है, ओके, हम में से कोई इस तरह की चीज पसंद नहीं करता है। मैं आप सबके सामने खड़े होकर प्रवचन देता हूँ, 4 साल से प्रवचन देता आया हूँ,
लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में जो बातें हैं गुजरती हैं सारी बातें दूसरे लोग जाने। इसका कारण पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, सब ने पाप किया है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो निष्पाप हो या निष्कलंक हो। अच्छा, तो फिर सवाल क्या है, इसका हल क्या है? इसका हल प्रभु के वचन में ही दिया हुआ है, प्रभु यीशु के द्वारा पाप क्षमा और प्रभु यीशु के द्वारा शाश्वत जीवन। पाप क्षमा आप पूछेंगे? हाँ, आज शाम को यही तो बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ कि हम जितनों ने इस संसार में जन्म लिया है, हम सबको पाप क्षमा की जरूरत है। मुझे है, प्रत्येक दिन मुझे पाप क्षमा की जरूरत है। क्यों? कभी लालच, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी और कोई बात मन में आ जाती है, मुझे पाप क्षमा की जरूरत है। हर व्यक्ति को पाप क्षमा की जरूरत है। इस पाप क्षमा के बारे में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने संसार में इसलिए जन्म लिया था जिससे कि मुझे और आपको हमेशा हमेशा के लिए पाप क्षमा प्रदान कर सके। प्रभु ने स्वयं अपने जीते जी ये बात 500 बार कही थी कि मेरे प्रिय बच्चों, इस संसार में हर व्यक्ति को पाप क्षमा की जरूरत है, और इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्ची, तुम्हारे पाप की, तुमको पाप क्षमा देने के लिए ही मैं सूली पर तुम्हारे लिए बलिदान होने जा रहा हूँ। प्रभु संसार में सबसे निर्दोष व्यक्ति थे। प्रभु ने कई बार लोगों से पूछा, तुम में से है क्या कोई जो मेरे जीवन में किसी तरह की गलती दिखा सके? इसके पीछे कारण था, जिस प्रभु ने संसार की सृष्टि की है, जो सृजनहार हैं, जो पालनहार है, जो तारणहार हैं, उनके जीवन में कोई गलती नहीं हो सकती। वे निष्कलंक हैं, निष्पाप हैं। उस निष्पाप प्रभु ने मेरे और आपके लिए सूली पर अपना जीवन दिया जिससे कि मेरे और आपके पाप की सजा चुका सकें। एक बात बताइए, मान लीजिए स्कूल में बच्चों के हाथ से कुछ टूट गया। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में या कॉलेज में, लैबोरेटरी में जब काम करते हैं तो वहाँ कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जाने अनजाने में टूट जाता है। तो यदि टीचर कहे कि देखो, ये जो तुम्हारे हाथ से टूटा है इसकी कीमत है 500 रुपये, तुम दोनों को कम से कम 150-150 रुपया देना पड़ेगा जिससे 300 रुपया हो जाए, बाकी 200 मैं कॉलेज से दिलवा दूंगा जिससे कि नया इंस्ट्रूमेंट खरीद सके। मान लीजिए आप अपना 150 दे देते हैं, आपका साथी खड़ा है, अरे तू क्यों खड़ा है? यदि आप पूछें, वो कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आपके पास यदि पैसे हों और आप कहते हैं तू काहे को फिक्र करता है, पहले मुझे क्यों नहीं बोल दिया, मैं तेरे भी पैसे चुका देता हूँ। यदि वो व्यक्ति, मान लीजिए मैं अपने साथी का जो फाइन है उसको दे दूँ, तो साथी छूट जाएगा या नहीं छूट जाएगा? छूट जाएगा। संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसको पवित्र प्रभु के सामने खड़े होकर एक दिन हिसाब देना पड़ेगा, और जब हिसाब देना पड़ेगा तो एक एक करके बुलाया जाएगा। हाँ, नंबर वन, शास्त्री फिलिप, कितनी उम्र है तुम्हारी? प्रभु, इतनी उम्र है। अच्छा, तो दुनिया में इतने साल तुमको मिले थे, इतने साल में तुमने जो किया उसका मैं जरा हिसाब बताऊं क्या? जब प्रभु इस तरह से पूछेंगे, आपको क्या लगता है कि मैं बोलूं हाँ प्रभु हिसाब बताइए, मैं तो निश्चित रूप से जो है मैंने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण मेरा हिसाब तो बहुत अच्छा होगा। जी नहीं, लेकिन आज से हजारों साल पहले प्रभु यीशु ने ये बात बोली थी, मेरे बच्चों तुम्हारा हिसाब चुकाने के लिए, तुम्हारे पापों की सजा चुकाने के लिए मैं इस संसार में आया हूँ। और मेरे प्रिय बच्चों, एक दिन
मैं सूली पर चढ़ा दिया जाऊंगा, जहां मैं तुम्हारे पापों के लिए अपना बलिदान दूंगा, वो बलिदान तुम्हारे पापों के लिए है। इस कारण प्रिय दोस्तों, प्रिय भाई और बहनों, जो भी व्यक्ति प्रभु को देखकर इस बात को यकीन कर लेता है कि प्रभु ने मेरे लिए अपना बलिदान दिया, उस समय उसको पाप की क्षमा मिल जाती है और पाप क्षमा के साथ साथ उसको शाश्वत जीवन। शाश्वत कब खत्म होगा? शाश्वत का मतलब है जो कभी समाप्त नहीं होगा, अनंत अनंत जीवन दे दिया जाएगा। आप पूछेंगे, अच्छा शास्त्री सर, आपको मिल गया है क्या? जी हाँ, आज से 60 साल पहले मैंने इस बात को समझकर प्रभु से कहा, प्रभु मैं पापी हूँ, आपने सूली पर मेरे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, मुझे पाप क्षमा प्रदान कीजिए। प्रभु ने मुझे पाप क्षमा प्रदान की, तब से मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे शाश्वत जीवन मिल चुका है। आप पूछेंगे, तो शास्त्री सर आप मरेंगे नहीं क्या? आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी क्या? जी नहीं, मृत्यु होगी, इसलिए कि ये जो नश्वर शरीर है, प्रभु इस शरीर को हटाकर एक ऐसा शरीर अपने बच्चों को देना चाहते हैं जो नश्वर नहीं है, जो शाश्वत है। तो शाश्वत जीवन से मेरा तात्पर्य है मेरे आपके जीवन में ऐसा बदलाव जिसका फल एक एक करके हमको मिलता है, और मैं इस बात के इंतजार में हूँ कि प्रभु मुझे वो नश्वर, इस नश्वर शरीर को लेकर वो अनश्वर शरीर दे दें। इस नश्वर शरीर में आप लोग जब गाते हैं तब मुझे बड़ी जलन होती है कि मैं गा नहीं पाता, लेकिन जब प्रभु मुझे वो अनश्वर शरीर देंगे तो मुझे यकीन है कि मैं बहुत ही सुरेले स्वरों में गा सकूंगा। इस नश्वर शरीर में खांसी, जुकाम, शरीर का दर्द सब होता है, वो जो अनश्वर शरीर है उसमें ये कुछ नहीं होगा। तो इसलिए यदि आप पूछें कि शास्त्री सर, यदि आपको शाश्वत जीवन मिल चुका है तो इसका मतलब यह है क्या कि आप कभी नहीं मरेंगे? तो उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब यह है कि जिस दिन मैं इस सांसारिक शरीर को छोड़ जाऊंगा, उसके बाद प्रभु मुझे एक ऐसा संसार, एक ऐसा शरीर देंगे जो ना तो दुख, जिसमें ना तो दुख होगा, ना दर्द होगा, ना बीमारी होगी, ना किसी तरह की शारीरिक कमजोरी होगी। मैंने आज से 60 साल पहले प्रभु के पास जाकर पापों की माफ़ी मांग ली, शाश्वत जीवन पा लिया। मैं आज इस कॉन्फिडेंस के साथ जी रहा हूँ कि जब प्रभु आएंगे या जब प्रभु का समय आएगा तब मुझे एक अनश्वर शरीर मिलेगा जो सदा सर्वदा के लिए है, और जिस शरीर में मैं प्रभु की उपस्थिति में रहूंगा। आज संध्या को इस सत्संग में यदि ऐसा कोई भाई या बहन है जिसे इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे वो नश्वर शरीर मिलेगा, जिसे इस बात का यकीन नहीं है कि मुझे वो मुक्ति मिल चुकी है, पाप क्षमा मिल चुकी है, तो इस सभा के बाद मुझसे आइए, मैं आगे की तरफ बैठा रहता हूँ, मुझसे आइए, मिलिए, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से प्रभु से पाप क्षमा, माफ़ी मांगकर आप ये शाश्वत जीवन पा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, पहला प्रश्न ये था कि शास्त्री सर आप मरेंगे नहीं क्या, तो मैंने उसका तो उत्तर दे दिया। दूसरा प्रश्न ये है, अच्छा शास्त्री सर आपको पाप क्षमा मिल गई है तो आप जीवन में संत हो गए क्या, मतलब आपके जीवन में कभी कोई गलती नहीं होती क्या? जी गलती होती है, इसलिए कि पाप क्षमा मिलने के बावजूद मैं अभी भी इसी नश्वर शरीर में हूँ। इस नश्वर शरीर में कोप, क्रोध, जलन, दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा, ये सब होता है, लेकिन चूंकि मुझे पाप क्षमा मिल चुकी है इसलिए एक बात मैं जानता हूँ, मेरे जीवन में जब भी कभी कोई गलत भावना आती है भाई के विरुद्ध, बहन के विरुद्ध, जब कोई लोभ लालच आ जाता है, तो अचानक जैसे ही मुझे पता चलता है कि अरे बाप रे, ये तो मैं लालच कर रहा था, ये तो मैं क्रोध कर रहा था,
तो मेरे सामने यह नश्वर शरीर बहुत बुरी चीज है, पता तब चलता है जब तबीयत खराब होती है। तो जब मेरे मन में क्रोध कोप वगैरह आता है, तब अचानक ये बात मुझे याद आ जाती है, मेरे प्रभु ने जिन्होंने सूली पर से मुझे पाप क्षमा दी थी, आज जाकर मैं फिर से प्रभु से याचना कर सकता हूँ और प्रभु क्षमा देंगे। तो ये दो बातें हैं जो आज शाम को मैं आपको बताना चाहता था, शाश्वत जीवन और उसके बाद प्रतिदिन के जीवन में प्रभु से क्षमा मांगना। आप पूछेंगे कि ओके शास्त्री सर, आपने स्टार्ट तो किया था एक बहुत चौड़े रास्ते के बारे में और एक तंग रास्ते के बारे में, उसमें और इसमें क्या संबंध है? बहुत संबंध है। जिंदगी में कुछ भी ना करें, मनमाना जिए, मनमाना जीवन बिताएं, वो उस व्यक्ति के समान है जो चौड़े रास्ते पर जाता है, ना तो लेफ्ट की फिक्र करना है ना राइट की फिक्र करना है, लेकिन जीवन के आखिर में वो अपने आप को नाश कर लेगा। तंग रास्ता उस व्यक्ति के समान है जिसने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, और इसलिए मैं सिर्फ उसी दिशा में जाऊंगा। प्रभु ने इसको तंग रास्ता और चौड़ा रास्ता इसलिए भी कहा क्योंकि ये संदेश तो दिया जाता है सबको, सब लोग उसे ग्रहण कर इस संदेश को स्वीकार करते हैं क्या, इस संदेश को मान लेते हैं क्या, इस संदेश के अनुसार चलते हैं क्या? नहीं। ज्यादातर लोग प्रभु से ये संदेश मिलने के बावजूद मनमाना जीवन बिताते हैं, थोड़े से लोग हैं जो प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि ये रास्ता तंग है, इसमें ज्यादा लोग नहीं जाते, चौड़े दरवाजे से हर कोई जाना चाहता है, मनमाना जीवन हर कोई जीना चाहता है, तंग रास्ते से जो प्रभु ने बोला मेरे बच्चे इसमें से जाओ, उसमें से जाना कठिन है, इसलिए लोग उसमें से जाना पसंद नहीं करते हैं। आज शाम को एक बार और मैं यहाँ जितने भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनसे याचना करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, प्रिय बच्चे, जीवन में मनमाना मत चलो। मनमाना कोई भी चल सकता है, चौड़ा रास्ता है, लेकिन प्रभु याद दिलाते हैं संसार में जिसने भी जन्म लिया है वो पापी है, पाप की सजा है मृत्यु, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा उस मृत्यु से एक मुक्ति, एक उद्धार, पाप क्षमा प्रभु ने तैयार करके रख दिया हमारे लिए। और इस सत्संग में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने प्रभु के द्वारा पाप क्षमा पाई है, इस कारण क्लोज करते समय फिर से मेरा अनुरोध है, मेरे प्रिय भाई बहन, इस सभा में ऐसा कोई भाई या बहन या बच्चा है जिसने जीवन में प्रभु यीशु के द्वारा पाप क्षमा नहीं पाई है, तो आज पाप क्षमा पा लें। उसके बारे में डिटेल जानने के लिए इस सत्संग के बाद मुझसे आकर चर्चा करें, मैं यहीं सामने बैठता हूं। प्रभु आप सबकी मदद करें। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जी के इस संदेश के द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। हम हर हफ्ते नए नए दिल को छूने वाले संदेश पोस्ट करते हैं। नए संदेशों के पोस्ट होते ही जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और उसके बाद घंटी के बटन को दबाएं। इतना ही नहीं, इन अनुग्रहों को अपने परिवार के लोगों और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए शेयर का बटन भी दबाएं।